नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइज ऑफ जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख ऐतिहासिक इमारत कौन से हैं। नंबर 5 पर है महारानी लक्ष्मीबाई का झांसी का किला। दोस्तों, ये वही स्थान है जहां पर अंग्रेज सैनिकों और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में युद्ध हुआ था। किले के अंदर आते ही सबसे पहले आपको कड़क बिजली नाम की तोप देखने को मिलती है। 1857 की क्रांति के दौरान इस तोप को गुलाम गौस खान चलाते थे। पूरे भारत में ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप उस समय की मानी जाती है। 1858 में अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर युद्ध शुरू हो चुका था। तब मुख्य तोप चलाने वाले गुलाम गौस खां, खुदा बख्श और महिला सेना की सेनापति मोतीबाई 4 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त हुए थे। मात्र 13 साल की उम्र में सन 1838 में राजा गंगाधर राव के साथ रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। विवाह के बाद रानी लक्ष्मीबाई इसी किले में आकर के रहने लगी। 19 साल की आयु में रानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र हुआ, लेकिन 4 महीने बाद उस पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद राजा गंगाधर राव की भी हालत कुछ ठीक नहीं रही। इसके बाद राजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। दीवार के चारों तरफ सैनिक खड़े होते थे किले की सुरक्षा के लिए। दोस्तों, अभी हम आपको उस स्थान पर लेकर जा रहे हैं जहां पर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से चारों तरफ घिर जाने के बाद अपने घोड़े सहित नीचे कूद गई थी। दोस्तों, अभी हम किले के उस स्थान पर आ चुके हैं जब अंग्रेज सैनिकों ने रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया था। तब रानी लक्ष्मीबाई इसी स्थान पर अपने घोड़े सहित नीचे कूद गई थी। नंबर 4 पर है लखनऊ का ब्रिटिश रेसिडेंसी। रेसिडेंसी का मतलब होता है रहने का स्थान, यानी अंग्रेजों के रहने का स्थान। ब्रिटिश रेसिडेंसी का निर्माण नवाब असाफुद्दौला ने 1775 में प्रारंभ करवाया था, जिसे बाद में सादत अली खान ने 1800 में पूरा करवाया। इस बिल्डिंग में आप जो छोटे छोटे छेद देख रहे हैं, ये सभी गोलियों के निशान हैं और साथ ही बड़े बड़े तोप के गोलों के, जो कि 1857 की क्रांति के संघर्ष का एहसास कराती है। रेसिडेंसी में आगे बढ़ने पर आपको एक और बहुत पुरानी इमारत देखने को मिलेगी जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। असल में ये डॉक्टर फेरर का कभी घर हुआ करता था, जो कि अंग्रेज सर्जन डॉक्टर थे। इसके अंदर अंग्रेजों का रसोई घर, बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल सभी मौजूद था, जिसको यूरोपियन फर्नीचर, चीन के सजावटी सामान से सजाया गया था। इस हॉल में पार्टी वगैरह हुआ करती थी। विद्रोह के समय इस पार्टी हॉल को हॉस्पिटल बना दिया गया था। सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये यहाँ का मुख्य भवन हुआ करती थी। इस इमारत में आप जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपको महसूस होगा कि आप टाइम ट्रेवल करके 1857 के समय में आ गए हैं। यहाँ पर बॉलीवुड मूवी के कई सारे सीन शूट किए जा चुके हैं। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं रेसिडेंसी के मुख्य भवन के सामने। यह 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी, जिसमें गेम रूम, लाइब्रेरी और बैठकों के लिए कार्यालय हुआ करते थे। इसमें एक बेसमेंट में एक कमरा था जो घेराबंदी के दौरान अंग्रेजों को ढाल बनाने में मदद करता था। इस पर बहुत ज्यादा तोप और गोलियों से वार किए गए, इसी वजह से पूरा का पूरा नष्ट हो चुका है। अब हम आपको लेकर जा रहे हैं ब्रिटिश रेसिडेंसी के अंदर ही बने म्यूजियम में, जिसमें 1857 के समय की कुछ चीजें और पेंटिंग्स रखी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं रेसिडेंसी की यह मुख्य इमारत युद्ध के पहले कितनी ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी। म्यूजियम के बाहर ही आपको 1857 की क्रांति के दौरान यूज की हुई तोपे भी देखने को मिलेंगी।
नंबर 3 पर है बनारस का सारनाथ। बनारस का सारनाथ बौद्ध धर्म वालों का तीसरा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सम्राट अशोक ने इस स्थान का निर्माण करवाया गौतम बुद्ध की याद में। इसी वजह से ये जगह दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म वालों के लिए बहुत ही फेमस जगह है। नंबर 2 पर है आगरा का ताजमहल। आगरा में स्थित ताजमहल जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ जो कि पूरा बनकर 1648 में तैयार हुआ। वैसे तो दोस्तों कहा जाता है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। आने वाले समय में कुछ पुरातात्विक जांच होने वाली है, जिससे ये साफ पता चल जाएगा कि ताजमहल का निर्माण क्या वाकई में शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल एक खूबसूरत सफेद संगमरमर की इमारत है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। नंबर 1 पर है कानपुर का गुप्तकालीन ईंटों का प्राचीन मंदिर। यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो कि गुप्त साम्राज्य के समय में ईंटों से बनाया गया था। ये मंदिर लक्ष्मण जी को समर्पित है। इसकी ऊंचाई 50 फीट है। मंदिर पर तराशी गई कई मूर्तियां नक्काशी प्राचीन कलाकृति को दर्शाती हैं। इस मंदिर में कभी भी पूजा नहीं हुई। मंदिर के चारों ओर देवी देवताओं की मूर्ति बनी है, जिसमें कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, ऐसे बहुत से भगवान हैं, लेकिन ये सारी मूर्तियां टूट फूट चुकी हैं। इस मंदिर की खोज 1877 में अलेक्जेंडर कलिंगम ने की थी। इसके बाद ये मंदिर के बारे में सबको पता चला। इस मंदिर का निर्माण वास्तु के हिसाब से कराया गया था। यहाँ के लोगों का कहना है यह मंदिर भूत प्रेत ने बनाया था। यह गुप्तकालीन मंदिर 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1905 के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। ये मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है जो कि 1540 साल पुराना है। इस मंदिर को सबसे प्राचीन हिंदू स्थान माना जाता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी नई जगह पर किसी नए वीडियो के साथ।